भारत सरकार ने भाजपा के शीर्ष नेता लाल कृष्ण अडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित करने का फैसला किया है। अडवाणी को भारत रत्न मिलने पर भाजपा नेताओं ने उन्हें बधाई दी। पूर्व उप प्रधानमंत्री व पूर्व गृह मंत्री लाल कृष्ण अडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। लाल कृष्ण अडवाणी भारतीय जनता पार्टी के शलाका पुरुष माने जाते हैं। अडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सभी पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्री उन्होंने बधाई दी है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने उन्हें बधाई दी और कहा कि सारा देश इससे प्रसन्न है। आडवाणी व्यक्ति नहीं संस्था है, उन्होंने पूरा जीवन देश के लिए जिया है। हम आडवाणी जी को बधाई देते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसके लिए धन्यवाद देते हैं। अत्यंत आनंद का विषय है हम सबके लिए। हमारे अपने नेता जिनका हमने कई कई रूप में पार्टी के अंदर भी और सरकार के माध्यम से भी उनके अपनी कार्यक्षमता देखी, ऐसे यशस्वी हमारे नेता माननीय लाल कृष्ण अडवाणी जी को भारत रत्न देने पर यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार का आभार मानते हैं। ऐसी प्रकार के निर्णय से सामाजिक जीवन में साफ सुथरे और लंबा जीवन जीने वाले व्यक्तियों को एक तरह से प्रेरणा भी मिलेगी और हम सबके लिए आदर्श भी बनेंगे। आज सारा देश गदगद और प्रसन्न है। अडवाणी जी व्यक्ति नहीं संस्था है, पूरा जीवन उन्होंने देश के लिए जिया है। अडवाणी जी को बहुत बहुत मैं बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं, उनको धन्यवाद। माननीय लाल कृष्ण अडवाणी जी को भारत रत्न मिला है, इसके लिए मैं उन्हें बहुत हृदय से उनको बधाई शुभकामनाएं और माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार अभिनंदन भारत की सरकार का कि आज उनके नेतृत्व में एक इस प्रकार के व्यक्तित्व को जिसने अपना पूरा जीवन देश के लिए लगाया, देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ऐसे लाल कृष्ण अडवाणी जी को भारत रत्न दिया है, इसके लिए बहुत बहुत उनका अभिनंदन और माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।